थायराइड की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। किसी को जेनेटिकली ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म हम खाते हैं, कोका कोला पेप्सी आदि कोल्ड ड्रिंक्स आदि पीते हैं, और भी तीखे तले हुए पदार्थ बहुत ज़्यादा खाते हैं, शारीरिक श्रम कम हो गया है। बहुत से कारण हैं जिनके कारण से थायराइड की बीमारी होती है। थायराइड की बीमारी एक बार हो जाए तो आपको जिंदगी भर अल्ट्रोक्सिन और तमाम दूसरी तरह की एलोपैथी की गोलियां खानी पड़ती हैं। उससे थायराइड को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। थायराइड को कंट्रोल करते करते भी उनकी कॉम्प्लिकेशंस तो और ज़्यादा बढ़ते ही जाते हैं। थायराइड के कारण से आंखों का भार आना, थायराइड के कारण से चक्कर आना, फिर थायराइड के कारण से जो है मोटापा का बढ़ना या अंडर वेट हो जाना, हाइपोथायराइड हो या हाइपर थायराइड हो, दोनों ही अवस्थाओं में एक तो कपालभाति और ऊर्जा प्राणायाम जबरदस्त लाभ करते हैं। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, एक कपालभाति प्राणायाम 10-15 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक करा देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और थायराइड के लिए आसनों में सर्वांगासन, हलासन विशेष रूप से लाभ करते हैं। जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पोंडाइलाइटिस भी है, वे सर्वांगासन और हलासन नहीं कर सकते, वो उष्ट्रासन भी नहीं कर सकते, तो फिर वो गले का यही आसन करने से, बस सूक्ष्म व्यायाम करने से, इससे भी गले के रोग सभी रोगों में और थायराइड की बीमारी में विशेष रूप से लाभ होता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा हो और एक्सरसाइज कोई ना कर सकते हो, आसन कोई ना कर पाते हो, तो वे कपालभाति के साथ साथ ऊर्जाई प्राणायाम बहुत जरूरी है। वो 7-11 से लेकर के 21 बार तक कर सकते हैं। ये कपालभाति और ऊर्जाई, गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरना, दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ देना, इसको 7-11 से लेकर के 21 बार तक कर सकते हैं। थायराइड के लिए बहुत जरूरी है ये थायराइड का पॉइंट, एक्यूप्रेशर में अंगूठे के नीचे से ये हथेली में ये जो उठा हुआ भाग है, इसको दबाते हैं दोनों हाथों में, और 2-2 मिनट ऐसे दबाने से थायराइड की प्रॉब्लम में 100% लाभ हो जाता है। हमने जो 5-10 सालों से थायराइड के लिए गोलियां खा रहे थे, उनको योगाभ्यास कराया और हमने पाया कि आज उनकी थायराइड की सब गोलियां बंद हो गई। किसी के 1 महीने में, किसी के 2 महीने में, किसी के 3 महीने में, किसी के 6 महीने में थायराइड की गोलियां 100% बंद हो जाती है। वैसे हम जब पतंजलि योगपीठ में जब लोग आते हैं, उनकी थायराइड की गोली पहले दिन से बंद करा देते हैं, और थायराइड के कारण से उनका वजन बढ़ा हुआ तो उसको भी हम नॉर्मल करते हैं, और देखते हैं कि आने से पहले हम उनका T3, T4, TSH चेक कराते हैं, और 7 दिन में गोलियां बंद कराने के बाद हम देखते हैं कि उनका T3, T4, TSH 100% कंट्रोल में आ जाता है। ये बात बड़ी बात आपको कह रहा हूँ। इसमें दवा के तौर पर त्रिकुटाचूर्ण 50 ग्राम प्रवाल पिष्टी या गोदंती भस्म उसके अंदर मिला देते हैं, ये कोई मेटेलिक भस्म नहीं है, प्रवाल पिष्टी या गोदंती 10 ग्राम और त्रिकुटा 50 ग्राम, इसको मिला करके आधा ग्राम शहद से चटा देते हैं, और थायराइड के कारण से मोटापा भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उनको मेदोर बटी भी दे देते हैं, और काचनार गुग्गल और वृद्धिवादी का बटी भी देते हैं। तो वृद्धिवादी का बटी, काचनार गुग्गल और मेदोर बटी, ये एक एक गोली खाने के बाद खिला देते हैं, तो थायराइड के रोगियों को और जल्दी लाभ हो जाता है। सुबह सुबह खाली पेट गोमूत्र का अर्घ पीने से भी थायराइड के रोगियों को विशेष लाभ हो जाता है, और थायराइड के साथ साथ थायराइड के सभी कॉम्प्लिकेशंस भी 100% दूर हो जाते हैं।